तो दोस्तों आज के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना, कमेंट करना। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारे फार्म से होने वाला है। तो आज अभी शाम के टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5। तो शाम के टाइम में सभी पशुओं को पानी पिला दिया है, और अंदर बंधी हुई थी पहले उधर, तो बाहर बांध दिया सारे पशुओं को। और बांधने के बाद में इसके मतलब सूखा जो भूसा डाल रखा है उसके अंदर मिक्स कर रखा है जौ का चापड़। तो ये भूसे के अंदर जौ का चापड़ मिक्स कर रखा है, तो सभी पशु खा रहे हैं। देख लो सभी को बाहर बांध दिया है, और अभी आज हमारे फार्म मतलब इनको भी सबको फीड रख दिया है, सारे मतलब पशु फीड खा रहे हैं। और आज करेंगे चांदनी की मिल्किंग। तो आपके भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि बफेलो मिल्किंग करो, तो आज है जाफराबादी बफेलो की मिल्किंग करेंगे। वो चांदनी भैंस हमारी जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, इसके काफी सारे वीडियो बना रखे हैं हमने मिल्किंग के, तो आज हम करेंगे लाइव मिल्किंग चांदनी की। तो चलो चलते हैं, वो किट्टू को खोलते हैं दूध पीने के लिए। तो किट्टू भी देख लो शाम के टाइम में इसको भी फिट रखते हैं, तो इसको भी गेहूं का भूसा और उसके अंदर ये जौ का चापड़ मिला रखा है, तो वो भी खा रही है देख लो। तो किट्टू को खोल लेती हूँ मैं दूध पीने के लिए, देखना किट्टू भागी भगने लग जाएगी दूध पीने के लिए। ये दौड़ने लग गई है दूध के लिए और जाएगी अपनी मम्मी के पास में, चांदनी के पास में। ये देख लो किट्टू है जो दूध पी रही है अभी। तो थोड़ी मतलब पहले इसको किट्टू को खोल देते हैं दूध पीने के लिए, इसके बाद पाउस जाती है थन में दूध आ जाते हैं, तो इसको अब बांध देंगे वापस मिल्किंग करने लग जाएंगे। बाद में थोड़ा सा दूध निकालेंगे जो किट्टू को तगारी के अंदर डाल देंगे किट्टू के। तो किट्टू ने दूध पी लिया है और अब इसको बांधना है। तो देख लो ये मंडवाती नहीं है, आराम से नीचे बैठ गई है किट्टू, घुटने टेक के बैठ गई है। इसको पता चल गया कि मैं अब जैसे ही हाथ आगे निकाला और इसको पता चल गया कि मेरे को बांधेंगे अब, दूध नहीं पीने देंगे। किट्टू देख लो बदमाशी कर रही है दूध पीने के लिए, कीर्ति के जाके दूध पी रही है वो भी आगे जाके। तो दोस्तों आज मैं चांदनी भैंस की मिल्किंग करूंगी लाइव मिल्किंग, तो आज मिल्किंग कर लेते हैं चांदनी की, देखते हैं आपके कमेंट आते हैं जाफराबादी बफेलो की मिल्किंग। तो आज बहुत दिनों बाद मैं चांदनी की मिल्किंग कर रही हूँ, मैं भी मिल्किंग करना स्टार्ट कर दिया है। और देख लो थन पकड़ने की ये पोजिशन है, ऐसे ऐसे मुट्ठी से मतलब पकड़ते हैं थन को, मतलब भैंस आराम से दूध निकलाती है, मतलब थन भी खींचते नहीं है ज़्यादा। और इसके चारों थन से थोड़ा थोड़ा आगे वाला मतलब पहले का दूध निकालने के बाद में निकाल कर किट्टू को पिलाना है, बाद में इसकी फेट अच्छी आती है, पहले थोड़ा दूध निकाल लेते हैं। तो किट्टू को ले पावे या ना पाओ किट्टू दूध। तो दोस्तों मिल्किंग करना स्टार्ट करती है, तो दोस्तों पहले का दूध होता है जो चारों थनों से निकाल लेते हैं, क्योंकि वो दूध थोड़ा पतला होता है, और उसके बाद में अगर हम निकाल के देरी पे देंगे तो मतलब आप भी अपने पशु अपने घर पे पशु होते हैं मतलब ये आइडिया जरूर अपनाना, क्योंकि मतलब वो पतला होता है। कम ही सुना तो एक किट्टू के लिए है दूध, चारों तनों से थोड़ा थोड़ा दूध निकालना है और अब ये किट्टू को पिलाना है। मिल्किंग करती हूँ, Thank you.
ले चांदनी ले। लूट पता है एग्जाम ला थोड़ी उत्तर हम ज्यादा
तो दोस्तों फाइनली चांदनी की मिल्किंग हो गई है और चांदनी का ये दूध है जो ये 3 से ज्यादा है, क्योंकि मतलब 1 लीटर की समथिंग किट्टू को भी पिलाया था और चांदनी अभी 7 महीने हो गए इसको दूध देते हुए, तो थोड़ा दूध भी कम हो गया। पहले ज्यादा था दूध इसका और अभी प्रेग्नेंट भी है, ये 4 महीने की प्रेग्नेंट है इसलिए दूध कम निकलता है आजकल इसका। गर्मी का मौसम है इस वजह से भी थोड़ा दूध कम निकलता है सभी पशुओं के। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, तो वीडियो आज की कैसी लगी आपको तो कमेंट करके जरूर बताना कि आज की वीडियो बफेलो मिल्किंग की आपको कैसी लगी, वो भी जाफराबादी बफेलो की मिल्किंग की है।